शिव बाबा याद है। इस रचनात्मक मेडिटेशन के दूसरे दिवस में आपका स्वागत है। आज हम शिव क्षमा पर ध्यान एकाग्र करेंगे। प्रेम की क्षमा और परवानों की दास्तान। परमात्मा के प्रेम में स्थिर हो जाएं। प्रेम को कभी छोड़े नहीं, प्रेम में खो जाएं। शिव क्षमा प्रेम की शाश्वत ज्योति है। वह अप्रतिबंधित, अपरिवर्तनीय और स्थिर है। परवाने आत्माएं उस क्षमा से मिलने की हसरत की पीड़ा में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने सोचा है कि हमें किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जो हमें सत्य प्रेम का अनुभव करने के लिए मार्गदर्शन कर सके। ऐसा प्रेम जिसकी हमें कितनी उत्सुकता है। एक बहुत बुद्धिमान परवाना था ब्रह्मा बाबा, जिसने उन्हें क्षमा तक पहुंचने का मार्ग बताया। पहला परवाना बाबा के कमरे के पास उड़ा और बाहर से ही उसने क्षमा को देखा। क्षमा को देखकर उसे बहुत खुशी हुई और उसे लगा कि उसने सत्य प्रेम का अनुभव कर लिया है। उसके बाद वह परवाना बुद्धिवान परवाने के पास पहुंचा और बताया कि उसने क्या देखा और क्षमा के साथ का अपना अनुभव बताया। बुद्धिवान परवाने ने कहा, तुमने देख लिया है और अब तुम जानते हो कि क्षमा का अस्तित्व है। दूसरा परवाना बाबा के कमरे के भीतर उड़कर पहुंचा और इस तरह उड़ा कि वह क्षमा के जितना संभव हो सके उतने समीप पहुंचा। क्षमा को अपने पंखों से छुआ, वह भी उमंग उत्साह से वापस आया और बुद्धिमान परवाने को वर्णन किया कि उसे क्षमा के इतने समीप होने का अनुभव कैसा रहा। बुद्धिमान परवाने ने जवाब दिया, अभी तुमने क्षमा की बहुत ही थोड़ी चमक देखी है। तीसरा परवाना उड़कर बाबा के कमरे में पहुंचा और सीधा क्षमा के सामने। वह सीधी क्षमा के आगोश में समा गई और स्वयं भी क्षमा की भांति ही चमकने लगी। बुद्धिवान परवाने ने दूर से ही अवलोकन किया कि यह परवाना अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वह पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गई थी। क्षमा ने परवाने की हिम्मत देखी और उसने उस परवाने को अपने प्रेम में समा लिया और उस परवाने को अपना प्रकाश और अपना हृदय दे दिया। केवल इसी परवाने ने यह समझा कि सत्य प्रेम क्या होता है और क्षमा के आगोश में पूर्ण रूप से समाने और उसके दिल तख्त पर बैठने का अनुभव क्या होता है। बाबा की ड्रिल के ऊर्जा क्षेत्र में श्रेष्ठ संकल्पों और शुभ भावनाओं के अव्यक्त वाइब्रेशन को आत्मसात करें। वह अपने प्रकाश और अपने प्रेम से हमें भरपूर कर रहा है। अपनी क्षमा की अपने माशूक के आगोश में पूरी तरह समा जाएं। अब चलिए बाबा के ऊर्जा क्षेत्र का अनुभव करें और आत्मा और हृदय को परमात्म प्यार में खो जाने के अनुभव में संवरने दें और बस क्षमा की तरह ही चमकें। परमात्मा के प्रेम में
स्थिर हो जाएं, प्रेम को कभी छोड़े नहीं, प्रेम में खो जाएं। आबाद कर ले मेरे।
मेरी